आप देख रहे हैं दखल न्यूज। मध्य प्रदेश में भावी मंत्रिमंडल को लेकर सियासी सरगर्मी एकाएक तेज हो गई है। कुछ पुराने मंत्रियों के साथ नए विधायकों को भी मंत्री बनाए जाने पर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की कोर टीम काम कर रही है। इसमें जाति, क्षेत्र और बड़े नेताओं के समीकरणों को तवज्जो दिया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष के लिए भी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने संभावित नामों पर विचार मंथन शुरू कर दिया है। कांग्रेस में क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण के हिसाब से संभावित नामों की पूछ परख शुरू हो गई है। स्पीकर के लिए अनुभवी एवं संसदीय परंपरा के जानकार विधायकों की तलाश शुरू कर दी गई है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि चुनावी नतीजे इतने चौंकाने वाले रहे कि नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह सहित कई दिग्गज नेता पहले ही इस दौड़ से बाहर हो गए। विधानसभा अध्यक्ष के लिए डॉक्टर गोविंद सिंह, लक्ष्मण सिंह, डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो और एनपी प्रजापति बाला बच्चन के नामों की चर्चा है। प्रदेश में डेढ़ दशक बाद सत्ता में लौटी कांग्रेस सरकार में कुछ पुराने मंत्रियों को भी रखा जा रहा है। मंत्री के रूप में जिनकी ताजपोशी होगी वो किस नेता से संबंध है, ये मापदंड भी मुख्य भूमिका निभाएगा। विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% सदस्य मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकते हैं। इस हिसाब से मुख्यमंत्री सहित 35 मंत्रियों का मंत्रिमंडल बन सकता है। 13 साल के कार्यकाल के दौरान भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह संख्या कभी पूरी नहीं की थी। चुनाव जीतकर आए 114 कांग्रेस विधायक और 4 निर्दलीयों में से जिन्हें मंत्री पद से नवाजा जाना है, उनमें कुछ नाम सुर्खियों में हैं। इनमें डॉक्टर गोविंद सिंह, बाला बच्चन, हुकुम सिंह कराड़ा, एनपी प्रजापति, आरिफ अकील, सज्जन वर्मा, लक्ष्मण सिंह, विजय लक्ष्मी साधो, इमरती देवी, कमलेश्वर पटेल, दीपक सक्सेना, तुलसी सिलावट, तरुण भनोत, गोविंद राजपूत, जीतू पटवारी, लखन घनगोरिया, ओम प्रकाश मरकाम, जयवर्धन सिंह, हिना कावरे, प्रदीप जायसवाल, गुड्डा ठाकुर, सरन सिंह शेरा, पीसी शर्मा, सचिन यादव, झूमा सोलंकी, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, उमंग सिंघार, राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, ब्रजेंद्र सिंह राठौर, हर्ष यादव और प्रद्युम्न सिंह तोमर के नाम शामिल हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।